हाँ मैं तुहानू एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाउणा। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड वास्ते सानू बहुत सारे धार्मिक संस्थावां ने, बहुत सारिया समाजिक संस्थावां ने पैसे दिते है। असी दे भी रहे हां, हड़ां दे विच पैसे उन्हां दे डायरैक्ट खात्यां च पै रहे ने, पैसे दे रहे हैं, कोई घाट नहीं रहनी, फिक्र ना करो। एक कोई संस्था वाले आए, वो कहिंदे जी मुख्यमंत्री रिलीफ फंड वास्ते योगदान पाउणा है। मैं क्या बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा, जिन्ना योगदान पाओगे उन्हूं दस ना गुणा करके लोगों च दऊंगा। हाँ जी कहिंदे असी आ लो जी किहड़े नां ते कटना चैक, उन्हें मेरे मेरे सामने चैक बुक कढ ली, चैक जी मैं क्या इस नां ते कट दो। वो जिहड़े पैसे भरने से वो तो उन्होंने आप भरने से, जिन्हें योगदान देना है उन्होंने लिखता जी पैसे, तो थले साइन करते, कहते फोटो करा लो जी, वो जी ऐसा फोटो होंगी। तो मैं देखा, मैं थोड़ा जहा पूछ लिया, मैं क्या जी कि योगदान है, कहते जी 1 करोड़ रुपया। मैं चैक तो देखा, क्योंकि मैं मैथ मास्टर का मुंडा हाँ, मेरे बापू जी साइंस मास्टर से पर नाल मैथ भी पढ़ाते। मैं क्या जी 1 0 वध लगती है 1 करोड़ तो, कहते ना ना जी 1 करोड़ ही है, 0 वध लगती। मेरे नाल मेरे अफसर बैठे थे हिमांशु, आ अफसर मेरे नाल उत्थे खड़े सी। मैं क्या हिमांशु चैक करी, वो कहना हाँ जी तो 10 करोड़ का चैक है। मैं क्या भी नहीं, तुसी 1 करोड़ का मन बना के आए हुए हो, 1 0 वध लग गई तो नहीं। तो दोबारा उन्होंने तो चैक कटवाया, 1 करोड़ रुपये का चैक लिया। मैं क्या जिनी थोड़ी दिलों इच्छा ना उन्हें दो, जो मैं 10 वाला ले लैंदा उन्होंने कहड़ा जवाब देना सी 10 वाला हो जाता, पर जिन्ना उन्होंने सोचा मैं उसे 10 करोड़ का कर लूंगा। पर मैं ये नहीं कहना कोई गलती ना पैसे दे गए तो कह यार पछताई जान मुड़ के ना। सो ईमानदारी 1 रुपये की भी है, ईमानदारी करोड़ों की भी है। चोरी पंजाबी की कहावत है, चोरी कख की भी चोरी लख की भी। मनिया के 1 रुपया, 1 रुपये की अहमियत देखो, तुसी भी अज ज्वाइन करन लगे हो, 1 रुपये की भी बहुत अहमियत है। मनिया के 1 रुपया 1 लख के बराबर नहीं बहिंदा, पर मैं तुहानू दसना चाहना जे लख चो 1 रुपया कढ दी वह भी लख नहीं रहिंदा, वह भी 99,999 बन जाता है।